अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी तक हमने चार ऑपरेशन कर लिए लिंक्ड लिस्ट के इम्प्लीमेंट, बाकी दो ऑपरेशन रहती हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो फर्स्ट वाला हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऐड एट आफ्टर, ये वाला जो मेथड है ना, आपने क्या करना है इसके अंदर एड एन और एट स्पेसिफिक लोकेशन, आपने नोड को ऐड करना है किसी यूजर से, आपने लोकेशन लेनी है और उस लोकेशन पे आपने न्यू नोड को ऐड करना है। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपने लोकल वेरिएबल पॉइंटर टाइप का बना लेना है और कुछ और लोकल वेरिएबल बनानी है, लोकेशन लेंथ। देन आपने क्या करना है, अब यूजर से इनपुट लेनी है लोकेशन, प्रिंट एफ एंटर लोकेशन। आपने ना लोकेशन इनपुट करवा ली है यूजर से। अब लेट्स सपोज लोकेशन है आपके पास 3, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक लिंक लिस्ट है उसके अंदर चार नोड ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, और आपने लोकेशन करवा ली है इनपुट 3, इनपुट आपने करवा ली लोकेशन 3। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ, आपने जो लोकेशन दी है इससे पहले एक चीज करते हैं, जो हमारे पास लेंथ, लेंथ क्या है आपके पास, हमने लास्ट टाइम एक मेथड किया था लेंथ का, ये आपको लेंथ रिटर्न करता था क्योंकि इंटीजर टाइप है, कुछ भी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अब आपने क्या, जो भी वैल्यू उधर से आएगी आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेना, जो भी फंक्शन से वैल्यू आएगी वो इसके अंदर स्टोर। अगर आपके पास लोकेशन ग्रेटर है लेंथ से, मतलब इस कंडीशन का मतलब ये है कि आपने यूजर ने एंटर किया 10 और लेंथ है आपकी लिंक लिस्ट की 5, तो हमने इनवैलिड लोकेशन का मैसेज प्रिंट यहाँ पे हम करवा लेते हैं। और लेंथ भी हम लिंक लिस्ट की यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी मैं करवा लेता हूँ। अगर इस नहीं है, अगर एल्स में हम जाते हैं, क्या करेंगे, आपके पास क्या है लोकेशन 3, अब मैं कुछ वेरिएबल और ले लेता हूँ, एक और पॉइंट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ एटीआर, और लेंथ के बाद में एक और वेरिएबल ले लेता हूँ आई, आई को मैं इनिशियलाइज करवा लेता हूँ 1 के साथ स्टार्ट। मैंने ये क्यों वेरिएबल लिए मैं भी आपको बताऊँ, जो आपने ptr लिया है ना, ये जो आपके पास ptr पॉइंटर है, आपने इसके अंदर क्या करना है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे स्टोर कर देना है ptr के अंदर, ptr के अंदर स्टोर कर देना है। अब इसके अंदर क्या है, 1000 आपने स्टोर कर देना है, ptr इक्वल है रूट के अंदर जो भी एड्रेस है। अब ptr के अंदर आ गया 1000, ठीक हो गया। अब पीटीआर पॉइंट आउट करना शुरू हो गया फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करना शुरू हो गया। यहाँ पे मैं वाइल लूप लेता हूँ, अब मैंने वाइल लूप इसलिए लगाई है क्योंकि मैंने इसका कंट्रोल अब एंटर किया है, आपके पास लोकेशन है 3, अब मैंने इस लोकेशन पे पहुँचना है और न्यू नोड को यहाँ पे मैंने ऐड कर देना है। आई लेस देन है आप
जो भी आपके पास लोकेशन एंटर की है वहां तक आपके पास लूप चलेगी जहां तक आपके पास लोकेशन है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास अब पीटीआर टू लिंक के अंदर जो भी है आपके पास स्टोर हो जाए पीटीआर के अंदर। पीटीआर टू लिंक के अंदर जो भी है एड्रेस वो स्टोर हो जाए पीटीआर के अंदर। अब फर्स्ट टाइम आपके पास क्या 1000 है, आपने क्या आपने चेक किया पीटीआर टू लिंक, आपके पास 2000 मिला, 2000 आ गया आपके पास। देन आपने दोबारा चेक किया, अब ये जो पीटीआर है अब पॉइंट आउट करना शुरू हो गया 2000 को, जब इसके पास 2000 आएगा ये खत्म हो जाएगा आपके पास। देन आपके पास पीटीआर टू लिंक 3000 है, 3000 आ गया और ये पॉइंट आउट करना, इसके साथ कनेक्शन आपका खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। अब 3000 वाली नोड के साथ आपका कनेक्शन बना हुआ पीटीआर का। अब ये हम काम कर भी लेते हैं साथ साथ, पीटीआर के अंदर हमने स्टोर कर लिया पीटीआर टू लिंक के अंदर जो भी एड्रेस है और मैं आई को प्रेस प्रेस करवा देता हूँ। अब इसके बाद क्या है, अभी तक मैंने नोड बनाई नहीं है, नोड अब मैं क्रिएट करता हूँ। वही जो हम लास्ट टाइम करते आए हैं टैंक के अंदर हमने उसका नोड का एड्रेस देना है स्ट्रक्ट नोड टाइप कास्टिंग का एड्रेस जो भी हमने बनाई है नोड उसका एड्रेस आ जाएगा इसके अंदर। अब हमने नोड के अंदर डाटा को एंटर करना है, प्रिंट एंटर नोड डाटा। वो कहाँ पे है पीटीआर टू लिंक, मतलब पीटीआर टू लिंक को उठाकर आपने 4000 यहाँ पे स्टोर कर देना। आपके पास दो कनेक्शन बने हैं, लेट्स सपोज आपके पास ये न्यू नोड है। अब आपने कनेक्शन इसका एक यहाँ पे बनाना है और एक कनेक्शन आपका ये बनेगा बेसिकली। अब आपने क्या करना है, इस 4000 को यहाँ पे नल है ना, आपके पास जीरो है लेट्स सपोज नल है, तो 4000 को आपने यहाँ पे रख देना और इस लिंक का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे रख देना। होपफुली समझ आ जाए, आ गई होगी आपको, अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब 4000 जो एड्रेस है वो आपके आपको आप कैसे गेट कर सकते हो, पीटीआर टू लिंक, पीटीआर टू लिंक मतलब आपने कहाँ पे रखना है, टेम टू लिंक के अंदर, टेम टू लिंक के अंदर आपने टेम टू लिंक के अंदर आपने रख देना है पीटीआर टू लिंक का एड्रेस। जो भी इसके अंदर एड्रेस होगा
वो आपने यहाँ पे रख देना है, मतलब PDR 2 लिंक के अंदर 4000 है, 4000 आपने रख देना है यहाँ पे इस जगह, नल की जगह आपने रख देना है। सेकंड ये आपके पास बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट लिंक, ठीक हो गया, मतलब राइट कनेक्शन आपने पहले बनाना है, देन आप लेफ्ट वाला बनाओगे। ये अगर आप लेफ्ट वाला पहले बनाओगे तो आपके पास ये जो लास्ट वाली नोड है बाकी जितना भी डाटा होगा खत्म हो जाएगा, आप लॉस कर दोगे जो भी डाटा है आपके पास, इसलिए आपने पहले राइट कनेक्शन बनाना है देन लेफ्ट बनाना है। लेफ्ट के अंदर आपने क्या करना है, अब ये न्यू नोड का एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे रखना है PDR टू लिंक के अंदर। अब न्यू नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, टेम्प के अंदर, PDR टू लिंक के अंदर आपने रखते हैं टेम्प। ओके, डिलीट के अंदर हमने क्या करना है, लोकल वेरिएबल लेना है। अच्छा, इससे पहले ना सिर्फ हमने डिलीट का एक ही मेथड बनाना है, जैसे हमने ऐड करने के लिए ना नोड को डिफरेंट तीन मेथड बनाए थे, हमने लास्ट में अलग बनाना बनाया था, अगर हमने लास्ट में नोड ऐड करनी है तो उसका अलग बनाया था, स्पेसिफिक के लिए अलग बनाया है, और अगर स्टार्ट में ऐड करनी है इसके लिए हमने अलग मेथड बनाया था, लेकिन डिलीट का हम एक ही बनाएंगे और वही हमें हर जगह काम किया जाएगा। अगर हमने नोड को फर्स्ट में फर्स्ट वाली नोड को डिलीट कर रहे हैं या स्पेसिफिक या लास्ट वाली नोड को डिलीट कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ एक मेथड बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड से आपने लोकेशन लेनी है, एंटर लोकेशन, चेक करोगे इफ लोकेशन मेथड, आप अलग से भी एक वेरिएबल दे सकते हो यहाँ पे लेंथ, जो जैसे हमने ऊपर किया था लेंथ, आप ये वाला मेथड यहाँ पे भी डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, ये वाला मेथड लेंथ को अगर आपने वेरिएबल नहीं लेना तो आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, अगर आपने अलग से आपने आपके पास जो लेंथ है वो है 5 की और आप एंटर करते हो डिलीट करने के लिए 20, तो 20 लेंथ ही नहीं है तो आप डिलीट कर ही नहीं सकते, तो आप इनवैलिड लोकेशन का मैसेज प्रिंट करवा दोगे। अगर एल्स के अंदर एल्स इफ लोकेशन आपके पास लेट्स सपोज फर्स्ट है, आपके पास लोकेशन है फर्स्ट, लेट्स सपोज मैंने ये दो नोट ली है और फर्स्ट वाली नोट को अगर मैंने डिलीट किया है, आपके पास लोकेशन है, लोकेशन है स्टोर करता हूँ, जो भी रूट के अंदर है वो यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या है, अब रूट के अंदर जो भी है मैंने टेम्प के अंदर पुट कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है आपके पास जो टेम्प, ये
फर्स्ट नोड को ये भी पॉइंट आउट करना शुरू हो गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला कनेक्शन ब्रेक करना है एकदम, ठीक है, और एक ये वाला कनेक्शन ब्रेक करना है। आपने रूट का कनेक्शन बनाना है इस वाली नोड के साथ, और ये भी आपने, तो ये वाली नोड जो है आपके पास खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब ये आप कैसे करेंगे, अब इसके अंदर क्या स्टोर हो, ये भी सेकंड नोड का एड्रेस 2000 यहाँ पे रूट के अंदर स्टोर हो, वो कहाँ पे आपके पास टेम्प टू लिंक के अंदर है 2000, वो आपने उठाना है रूट के अंदर रख दिया। आपने रूट के अंदर रखते हैं, अब इसके अंदर भी आपने क्या करना है, आपको ये वाला कनेक्शन इसके साथ बन गया। अब आपने ये वाला कनेक्शन भी तो ब्रेक करना है ना इस फर्स्ट नोड से कल सेकंड नोड के साथ। अब ये वाला कनेक्शन आप कैसे ब्रेक करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, नल नल कर दोगे टैम टू लिंक के अंदर, आप क्या कर दोगे नल। उसके बाद आप फ्री का एक मेथड है आपके पास, टैम को आप फ्री कर दोगे, मतलब ये वाला होल्ड किए हुए 1000, आपने क्या करना है इस 1000 को, ये भी मेमोरी को रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए आप एक मेथड है फ्री का, वो आप यूज करोगे। फिर आपने सिर्फ लॉजिक लिखनी है उनकी, लॉजिक लिखनी है आपने, अगर आपने कोई भी स्पेसिफिक किसी भी मिडल सेंटर के अंदर कोई भी अगर नोड को डिलीट करने हो, या आपने लास्ट वाली नोड को डिलीट करना है, आपके लिए सिर्फ ये भी लॉजिक काफ़ी है। अब आप जो लिखोगे, अब उसके लिए मैं एक और लोकल वेरिएबल ले लेता हूँ नोड टाइप का, पीटीआर में ले लिया, और पीटीआर को मैं असाइन कर देता हूँ जो भी रूट के अंदर एड्रेस है। एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ आई, उसको मैं इनिशियलाइज वन के साथ कर लेता हूँ, और मैं वाइल लगाता हूँ, वाइल के अंदर मैं क्या रखता हूँ कंडीशन लगाता हूँ लेस देन लोकेशन माइनस वन, लोकेशन माइनस वन के लिए मैं बताता हूँ आपके आपको पीटीआर पीटीआर तो लिंक कितना चाहिए और आइकन प्लस प्लस कर देता हूँ। सिंपल लॉजिक है। अब मैंने लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लिंक लिस्ट है, चार नोड है मेरे पास। अब मैंने लोकेशन यूजर ने एंटर की 3, ये वाली नोड को थर्ड नंबर पे जो भी नोड है उसको मैंने डिलीट करना है। अब उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, ये वाला एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने असाइन कर दिया जो भी रूट के अंदर है वो मैंने असाइन कर दिया उसकी वैल्यू। अब ये पॉइंट करना शुरू हो गया इसको, अब पीटीआर टू लिंक के अंदर जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे 2000 आएगा तो ये 2000 यहाँ पे उसको पॉइंट आउट करना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट टाइम ये 1 है, सेकंड टाइम चलेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ही रहेगा आपके पास। इसके बाद मैं एक और आपको एक और वेरिएबल ले लेता हूँ क्यू, पॉइंटेड आई का क्यू वेरिएबल एक और ले लेता हूँ, उसके अंदर जब ये बाहर आएगा, अब लेट्स सपोज मैं आपको समझा देता हूँ, आपके पास आई लेस देन है लोकेशन माइनस वन, अब आई आपके पास है 1, लेस देन लोकेशन आपके पास 3 माइनस 1, मतलब 2 रहेगी आपके पास। फर्स्ट टाइम आपकी लूप चली 1 और आपके पास 2 है, सेकेंड टाइम चली यहाँ पे आ जाएगा 2 लेस देन, आपके पास क्या है ये पॉइंट करना शुरू होगी सेकेंड नोड की तरफ, ठीक है, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होने के बाद आप यहाँ पे आ गए। अब आपने
एक और वेरिएबल मैंने लिया है क्यू, क्यू के अंदर मैं क्या स्टोर करवा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूंगी। अब मैंने क्यू टाइप का एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने पॉइंट करने जो भी आपने नोड डिलीट करनी है। अब जो भी नोड मैंने डिलीट करनी है वो मैंने अब यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कैसे करूंगा, क्यू के अंदर मैं वो रख देता हूँ जो भी आपके पास है पीटीआर टू लिंक के अंदर, क्योंकि इस नोड का एड्रेस क्या 3000 पीटीआर टू लिंक के अंदर जो भी है वो मैं क्यू के अंदर पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो ये क्यू पॉइंटर इस वाली नोड को पॉइंट करने शुरू हो जाएगा, थर्ड वाली नोड, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है, ये वाली नोड का लिंक मैंने बनाना है इस वाली नोड के साथ और इस वाली नोड को मैंने खत्म करना है। जैसे मैं इस वाली नोड का लिंक बनाऊंगा यहाँ पे ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब क्या करना है, मैंने इस वाली नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर करने, यहाँ पे। अब ये इस वाली 4000 को मैं कैसे गेट कर सकता हूँ, क्यू टू लिंक, क्यू टू लिंक का जो भी एड्रेस है वो मैं पी टी आर टू लिंक के अंदर रख देता हूँ, इस वाली पी टी आर टू लिंक के अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ क्यू टू लिंक का जो भी एड्रेस है। 4000 को मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 3000 रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला लिंक बन जाएगा और ये वाला लिंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब आपने ये वाला लिंक भी खत्म करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, क्यू टू लिंक को आपने नल कर देना है, क्यू टू लिंक को आपने कर देना नल, नल किया आपने, देन आपने क्या करना है, अब ये स्टिल इसके अंदर क्या स्टोर है 3000। अब आपने इसको फ्री करना है, फ्री का मेथड आप यूज करोगे क्लास, इस वाले क्लास मेथड में हमने यूज भी किया, इसको आपने क्यू को आप फ्री कर दो, ये वाला मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे आप किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं और टेस्टिंग करने के ओके। अब हम ना एग्जीक्यूट कर लेते हैं इन दोनों मेथड को, टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने अपेंड करवा लेते हैं, कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं नोट्स के अंदर, 11 मैंने किया। देन मैं सेकेंड ऑप्शन बिगिन वाला स्टार्ट सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं 22 एंटर कर देता हूँ, देन मैं एक और अपेंड करवा लेता हूँ उसके अंदर मैं 33 रख देता हूँ। अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ तो मेरे पास ये लिंक लिस्ट बन गई है, ठीक है, 012। अगर मैं थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ ऐड स्पेसिफिक लोकेशन वाला, तो मैं लोकेशन पुट करता हूँ 1 पर, अब 011 को ये रिप्लेस करेगा। अब मैंने किया, अगर मैं 44 ऐड करता हूँ और अब मैं टेस्ट चेक करता हूँ डिस्प्ले करवा कर, अब 44 फर्स्ट वाली लोकेशन पर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने डिलीट का 6 एंटर किया, मैंने लोकेशन मैंने डिलीट करता हूँ 012, 2 वाली लोकेशन को अगर मैं डिलीट करता हूँ, अगर मैं दोबारा से डिस्प्ले करवाता हूँ 2 वाली लोकेशन 244 मेरे पर डिलीट हो, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, इसको चलाकर चेक करना है और मुझे बताना है कोई भी इशू आए तो, ओके फिर। خدا حافظ.